Assalamualaikum, ताज़ा हाओ, मैं मोहम्मद यामीन आपको चाइनीज कॉर्नर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको चाइनीज लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू चाइनीज। चाइनीज लैंग्वेज ना सिर्फ चाइना में बोली जाती है बल्कि और भी बहुत सारे ममालिकों में बोली जाती है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन चाइनीज जबान बोलती है। चीनी जबान सीखने के बाद आप बहुत सारे लोगों से चाइनीज लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। चाइना एक तारीखी मुल्क है। चाइनीज लैंग्वेज सीखने के बाद आप चाइना की तारीख के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। चाइनीज अल्फाज, जो चाइनीज करेक्टर है, ना सिर्फ चीनी जबान में इस्तेमाल होते हैं और भी बहुत सारी लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल है, जिसमें कोरियन हो गई, जैपनीज हो गई, वियतनामीज हो गई और थाई लैंग्वेज भी इसमें शामिल है। चाइना की मईशत, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं, ये दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। बहुत सारी चाइनीज कंपनी यूरोप और एशिया में काम करती हैं। इससे बहुत सारे मुलाजमत के मौके मिलते हैं। अगर आपको चीनी जबान आती है तो आपको चाइना आने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्किल को यूज़ करके आप अपने ही मुल्क में काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज दुनिया की मुश्किल जबानों में से एक लैंग्वेज है, मगर जैसा आप सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइनीज लैंग्वेज की ग्रामर बहुत ही आसान है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है, वैसे ही चाइनीज लैंग्वेज की ग्रामर है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ चाइनीज कोर्सेज का। मैं तीन कोर्सेज जो हैं वो अपलोड करूँगा, तीन कोर्सेज की वीडियोस अपलोड करूँगा। इसमें सबसे पहला है स्पीकिंग, उसके बाद है लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव। हर कोर्स के तीन लेवल होंगे। पहला लेवल होगा एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल क्या है? ये बेसिक लेवल है। इसमें आपको शुरू से जो बेसिक लेवल है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद दूसरा लेवल है एलिमेंट्री लेवल स्पीकिंग का। इसमें ये लेवल उन लोगों के लिए है जो एक साल चाइनीज़ पढ़ चुके हैं, एक साल चाइनीज़ पढ़ ली है या 8 महीने चाइनीज़ पढ़ ली है, तो उनके लिए ये लेवल है इंटरमीडिएट लेवल। तो आप यहाँ से इंटरमीडिएट लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल भी थोड़ा एडवांस है। उसमें ये कि अगर आपने एक साल या 1.5 साल चाइनीज़ पढ़ लिए या 2 साल चाइनीज़ पढ़ ली है और आप बोलते हैं कि मुझे जो है आगे भी पढ़नी है, कंटिन्यू करनी है, तो आप एडवांस लेवल की क्लासेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था स्पीकिंग का पहला कोर्स, इसके तीन लेवल हो गए। उसके बाद हमारे पास है लिसनिंग का कोर्स, इसके भी वही सेम 3 लेवल हैं, एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। और उसके बाद तीसरा मेरा जो कोर्स है मैं जो अपलोड करूँगा वो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इसके भी सेम 3 लेवल है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या चीज़ है। कॉम्प्रिहेंसिव जो है बेसिकली ग्रामर है। इसमें मैं जो है ज़्यादातर चाइनीज़ ग्रामर पे फोकस करूँगा जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव में ऊपर जो 2 सब्जेक्ट हैं स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये भी इसमें जो है इंक्लूडेड हैं। तो हर कोर्स के 3 लेवल हैं, एलिमेंट्री लेवल और इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। तो उसके अलावा मैं
एच एस के की वीडियोस भी अपलोड करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, ये एच एस के क्या चीज़ है? ये एक चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसके 6 लेवल हैं टोटल, लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक। ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो चाइना आते हैं पढ़ने के लिए। सपोज़ करें कि कोई मास्टर्स के लिए आया है, उसने अप्लाई किए हैं, या पीएचडी के लिए, या बैचलर्स के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एचएस के 4 दो या 5 दो। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एचएस के जो है लेवल 6 भी जो है आपका क्लियर होना चाहिए डिग्री लेने के लिए। तो ये जो लेवल हैं, ये भी इस लेवल की भी मैं जो है, ये जो एग्ज़ाम है एचएस के, इसकी भी जो है मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू चाइनीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।